नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। पहले इस पूरे वीडियो को पूरी तरह से देखिए और सुनिए। इसमें रीवा जिले के त्योंथर तहसील के SDM संजय जैन वकीलों से किस तरीके से चिल्लाकर बात कर रहे हैं। एक SDM को क्या मध्य प्रदेश शासन इसी तरीके से प्रशिक्षित करता है कि वह वकीलों से इसी तरीके से चिल्लाकर बात करे? और यदि मध्य प्रदेश शासन का जिम्मेदार अधिकारी SDM जब वकीलों से इस तरीके बात कर रहा हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमियों से बात करने का इनका तौर तरीका क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई अधिकारियों को इस तरीके की अभद्रता करने के आरोप में निलंबित भी किया है। क्या इस तरीके का वीडियो देखने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री SDM संजय जैन के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेंगे या उन्हें इसी तरीके से चीखने और चिल्लाने की खुली छूट, खुली आज़ादी प्रदान करेंगे? इस पूरे मामले में विशाल खबर के पास दूसरा वीडियो। इस वीडियो में आप वकील SDM संजय जैन पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप हजारों फाइलों पर कोई सुनवाई ही नहीं करते, और SDM इस बात को सिरे से नकार रहे हैं। सुनिए और देखिए इस वीडियो को भी। बोलिए आप। क्या हमारी ही एक फाइल है जिसको आप लगातार डेली 8-10 दिन 15 दिन की फाइल है और उसको दूसरे 8-10 दिन 15 दिन की कौन सी फाइल है? 15 मार्च से चल रही है फाइल। और ये एक मिनट हम अभी उसमें एक मिनट, हाँ बताइए। और भी बहुत सारी फाइलें हैं, कई बार हम लोग आग्रह कर चुके कि इसको भी सुन लिया जाए। तो मैं नहीं सुनता हूँ क्या? क्यों नहीं सुना जाता? क्यों नहीं सुनता? मैं सुनता नहीं हूँ। सुना जा रहा है? कौन सी फाइल में नहीं सुना जा रहा है बताइए आप। एक नहीं, हाँ बताइए, एक नहीं हजार फाइलें हैं। हजार फाइलों में नहीं सुना जाता? आप आते हैं यहाँ पे, आपको फोन करके बुलवाया जाता है, आपको फोन करके बुलवाया जाता है। हाँ, आपको फोन कर मजिस्ट्रेट ही। इसके बाद विशाल खबर के पास तीसरा वीडियो भी है जिसमें SDM संजय जैन अपनी सफाई देते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि SDM संजय जैन अपनी सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ सर, ये SDM कोर्ट में क्या मामला हुआ था जो वीडियो वायरल हुआ? इसके बारे में मैं जो मीडिया में चल रहा है सब जगह वो अधूरा सच है, पूरा सच से मैं आपको अवगत कराता हूँ। ये हमारे त्योंथर अंतर्गत एक महेवा गांव है जहां एक बंटवारे का प्रकरण मेरे न्यायालय में 15 मार्च 2024 को दर्ज हुआ था। उसमें दर्ज होने के बाद उभय पक्षों को संबंध तामील हुआ
शामिल के बाद जो उभयपक्ष अंतिम तर्क के लिए 16 तारीख को पेशी लगी थी 16 जुलाई 2024 को, तो राजेंद्र गौतम जी जो विद्वान अधिवक्ता उसमें उत्तरवादी रिस्पोंडेंट की तरफ से हैं, तो वो न्यायालय में उपस्थित हुए और बोले कि साहब मैं लिखित जवाब दूंगा। तो मैंने उनको ये निवेदन किया कि साहब जवाब और तर्क एक साथ होता है, कि नहीं साहब मैं लिखित दूंगा। मैंने उसको उनकी बात को स्वीकार किया। मैंने फिर उनसे बोला कि साहब तर्क के लिए नहीं आए थे, तो कहले नहीं साहब मेरी तैयारी नहीं है, मैं अभी तर्क नहीं कर पाऊंगा, मुझे समय चाहिए। तो मैंने न्याय में उनको समय दिया। 16 तारीख की पेशी मैंने 19 जुलाई में लगा दी। 19 जुलाई में जब इनको पुकार हुई तर्क के लिए, तो ये सीधे मेरे न्यायालय में तेज़ी से बहुत चिल्लाते हुए प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के साथ ही मुझे धमकाते हैं। और इनका जब चूँकि ये न्यायालय में प्रवेश किया, चिल्लाए कि ऐसा न्यायालय चल रहा है, रोज़ाना न्यायालय चलता है क्या, न्यायालय में रोज़ाना पेशियाँ होती हैं क्या, मेरे पास कोई काम नहीं है क्या, मैं एक ही काम करता रहूँगा कि न्यायालय में खड़ा रहूँ। तो मेरा आपके माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि पक्षकार आपको अधिवक्ता इसलिए नियुक्त करता है कि आप जिस समय उसकी पेशी लगी हो आप पक्षकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होकर उसका पक्ष रखें। लेकिन ये प्री प्लान्ड करके, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, प्री प्लान्ड करके किसी दुरासा की भावना से मेरे साथ कोई हरकत करना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने अन्य माध्यमों से भी मेरे पास दबाव बनाने का प्रयास किया। जब मैं नहीं झुका तो उन्होंने आखिरी हथकंडा मुझे हरास करने के लिए और मेरे ऊपर अनावश्यक दबाव बनाने के लिए प्री प्लान तरीके से दुरासा की भावना से मैंने न्यायालय में चिल्लाते हुए प्रवेश किए। जब ये चिल्लाते हुए प्रवेश किए तो मैं इनकी मानसिकता को समझ गया, इनके आशय को दुरासा को समझ गया। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया है, वो आज ही मैं आपको, अभी तक मैंने उसको वायरल नहीं किया है, लेकिन अब मुझे आवश्यकता लग रही है कि पूरा सच जनता के समक्ष, माननीय वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष, शासन के समक्ष पूरा सच सामने आना चाहिए। तो मैं आज ही उस वीडियो को मैं अपनी तरफ से भी वायरल करूँगा ताकि पूरी सच्चाई सबके सामने आए और उसमें जनता और न्याय करे, हमारे वरिष्ठ अधिकारी न्याय करें, माननीय मध्य प्रदेश शासन न्याय करे कि मेरे साथ जो हरकत हुई है उसका क्या, अगर मेरे साथ कोई न्यायालय भरे न्यायालय में अगर मेरा कोई अपमान आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है तो ये केवल मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया थी। मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं था उनके प्रति, ना कोई मेरा दुराशय था, ना मैं केवल न्याय के उद्देश्य के लिए बैठा था। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, इतना मेरा, अगर किसी को लगता है कि ये मेरा अपराध है तो ऐसा अपराध मुझे स्वीकार है, क्योंकि मैं न्याय के लिए बैठता हूँ, न्याय की कुर्सी पर बैठता हूँ, तो केवल उद्देश्य मेरा न्याय करना होता है। किसी के आगे मैं दबाव न प्रभाव में झुकता हूँ, ना मैं कार्रवाई करता हूँ। धन्यवाद। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि विशाल खबर की खबरें अच्छी रहती हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।